मंडी में प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वीरभद्र सरकार ने बीते 5 सालों में प्रदेश के माहौल को खराब कर रखा है, जिसकी वजह से आज प्रदेश में भाजपा की लहर चल पड़ी है और जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि गुड़िया कांड से घबराकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठियोग से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपनी सीट बदल कर अर्की से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि दूसरे जिले सोलन का एक हिस्सा है। सदर भाजपा से प्रत्याशी पूर्व पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा के पक्ष में बोलते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस में अनिल शर्मा का जो अपमान हुआ है उससे दुखी होकर उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित सुखराम के परिवार का पूरा मान सम्मान होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर घर जाकर केंद्र सरकार की नीतियों को पहुंचाएं और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का प्रचार करें। इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैंने कहा है कि पार्टी ने तो लक्ष्य रखा था 50+। जिस तरह का सहयोग समर्थन जनता का मिल रहा है, लोग बढ़कर आगे आ रहे हैं। मैं चंबा, कांगड़ा, ऊना और भी रामपुर से आया हूं। इस बार आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, आपका संसदीय क्षेत्र है रामपुर की विधानसभा सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मंडी में मुझे पूर्ण विश्वास है, अटल जी के आशीर्वाद से अनिल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व के सहयोग से मंडी में भी नया इतिहास रचा जाएगा। कमल जरूर खिलेगा और एक बार खिलेगा तो खिलता ही रहेगा। हमने मान सम्मान दिया, कांग्रेस ने अपमान दिया और इस अपमान के लिए पंडित सुखराम कर रही है। सारे मंडी क्षेत्र का, विशेष करके मंडी सदर का तो है ही, और इस अपमान का बदला 9 तारीख को घासना था। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने आपसे मिलकर डेट चाहिए, वोट पड़ेगा तो 9 नवंबर को, गिनती होगी तो 18 दिसंबर को भी 8-1 और 9 होता है, तो 9 का हंगड़ा किसके लिए शुरू होता है आप जानते हैं। पंडित जी का अपमान पहले ही कई बार कांग्रेस में हुआ, गुड़िया कांड के बाद वीरभद्र सिंह शिमला जिला छोड़ गए। पहले घोषणा की थी मैं जोर से लड़ूंगा, हट रही थी उनके लिए, लेकिन जो हालात देखे कि शिमला में गुड़िया कांड बार बार सवाल पूछेगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा है सामान्य घटनाएं ऐसी घटना होती रहती है। सवाल बेटी का ये था, ये घटना इनकी मुख्यमंत्री की बेटी के साथ हुई होती तो क्या वो यही जवाब देते। अपने संबोधन के दौरान भाजपा प्रत्याशी अनिल शर्मा ने कांग्रेस पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने कांग्रेस पार्टी को सींचने के लिए कई कुर्बानियां दी, मगर वीरभद्र सिंह ने बीते 5 वर्षों में उनका व उनके पिता का कई बार अनादर किया, जिससे मजबूरन उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा है। शर्मा ने कहा कि पंडित सुखराम दिल्ली में थे, इन्हें वहां से राहुल की रैली के लिए कांग्रेस पार्टी ने खुद बुलाया था, मगर बाद में रैली में जाने से ये कहकर रोका गया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नहीं चाहते हैं कि वे रैली में आए। शर्मा ने कहा कि यही नहीं, रैली के दौरान उनका नाम सूची से भी काट दिया गया था। जो कांग्रेस के साथ था आज कांग्रेस में हालत हो चुकी है। हमारे चुनाव क्षेत्र के अंदर कई जगह तो उनके बैठने के लिए जो है कांग्रेस की प्रत्याशी को जगह नहीं मिल रही है। मैं बात करना चाहता हूँ, चंपा ठाकुर कौर सिंह जी की बेटी है, चुनाव लड़ रही है, क्या तो प्रत्याशी नहीं मिल रहा है उनको, इनके पास उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, और यहाँ कहा कि एक जगह 2 टिकट दी जाएंगे, टिकट दे दिया गया। और आज मैं कहना चाहता हूँ, जिला परिषद की जो मीटिंग होती थी, जब जिला परिषद की मीटिंग के अंदर मैंने 50 लोगों का भाषण दिया, उसका विरोध जिला परिषद की हमारी जो अध्यक्षा रही उन्होंने किया। और विकास की बात करना चाहती है, जितने फंक्शन हुए आज कभी भी उनका जो कहीं किसी फंक्शन में आना नहीं हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जवाब देने का मौका है कांग्रेस को, आज सदर चुनाव हल्का नहीं हिमाचल ही कांग्रेस मुक्त होगा। ये बहुत हमारा सदर चुनाव हल्के के अंदर मात्र 2.5 सालों के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कमर खिला था,
और ये सूखा जो है आज ये सूखा खत्म होगा, जो है यहाँ से कमल जो खिलेगा कि आज एक आत्म सम्मान की लड़ाई के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आत्म सम्मान जो आत्म सम्मान जिस पार्टी में ना हो उस पार्टी में बने रहने का कोई मतलब नहीं रहता। सभी जानते हैं कि पंडित सुखराम जी का कद राजनीति के अंदर कितना बड़ा कद रहा, जिससे सदर हल्के की पहचान बनी है। सदर हल्का यदि विकास की बुलंदी के ऊपर पहुंचा है तो श्रेय जाता है पंडित सुखराम जी को।